जिंदगी के लेवल मुख्तलिफ हैं, जमादात की जिंदगी है, पत्थरों की, पहाड़ों की। वैसे तो अब साइंस भी तायद कर रही है, लेकिन कुरान ने तो सदियों पहले कह दिया था। क्या कहता है कुरान? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़। इस कायनात में जो कोई है वो तस्बीह कर रहा है। इसका मतलब है शऊर रखता है तो तस्बीह हो रही है। लेकिन हर एक के शऊर की मंजिल मुख्तलिफ है। जो बेजान है वो किसी और तरह शऊर कर रहा है, कोई इबादत कर रहा है। तो ये बात तो आका व मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लेकर आया, हाथ में कुछ कंकर थे, हैं, मामूली आदमी नहीं था, अबू जहल था, हैं, जहालत का बाप। तो वो लेकर आया, कहा कि अगर सच्चे नबी हो तो बताओ कि ये मेरे हाथ में क्या है। तो फरमाया मैं बताऊं या जो है वो बताए। पर ये जुमला कहना था कि अल्लाह की तस्बीह करना शुरू कर दी उन कंकरों ने, अल्लाह की वहदानियत की गवाही दी, पैगंबर की रसालत की गवाही दी। तो मुझे एक बात समझ में आई, ये मौजजा है पैगंबर का? मुझे लगता है ये मौजजा नहीं है, ये कंकरों का बोलना ये मौजजा नहीं है। मौजजे का एंगल कुछ और है। ये तस्बीह तो पहले से ही कर रहे थे। पैगंबर का मौजजा ये है कि इस जाहिल के कानों पे लगे हुए तालों को खोल दिया नबी ने। जो मैं सुन रहा हूं वो तो भी सुन ले। तो ये कायनात शऊर रखती है अजीजन। तो नबा जमादात पहले मरहले में, नबातात अगले मरहले में। बात लंबी है लेकिन मैं बाहर इशारतन गुजरूंगा। हैवानात अगले मरहले में, इसी तरह इंसान अगले मरहले में। तो ये मुख्तलिफ मराहल हैं जिंदगी के। एक जिंदगी का मरहला इंसानी जिंदगी है, जिसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको अर्ज की हैं। एक जिंदगी इससे आगे भी है, ये जिंदगी है फिजिकल जिंदगी। ये जिंदगी है मैटर के अंदर जो तब्दीलियां हो रही हैं, करने वाला कोई और है, मुझे खाली नजर आ रहा है। साइंसदानों का ये कमाल नहीं है कि उन्होंने ये कायनात बनाई है, कशफ की है। कशफ करने पे इतना गरूर कि हमने जो किया है वो कुछ। इतना गरूर ना करो, तुमने डिस्कवर किया है, खल्क नहीं किया। वो बगैर मवाद के खालिक है, इसलिए उसको खालिक भी कहते हैं, बदी भी कहते हैं। जो खाम माल से कुछ बना दे वो खालिक है, जो कुछ ना हो बना दे उसको बदी कहते हैं।